हिमाचल जन क्रांति पार्टी ने जसूर में की प्रेस वार्ता। वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर किया ताबड़तोड़ हमला। हिमाचल जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा में एक बार फिर जनता को हतोत्साहित करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज महंगाई चरम सीमा पर है। सब्जी से लेकर भवन बनाने तक की सामग्री महंगी हो चुकी है। आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज नड्डा रोड शो करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो रोड शो अक्सर विपक्ष करता है वो अब नड्डा अपनी सरकार के होते हुए कर रहे हैं। इसे जाहिर है कि भाजपा सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क है। उन्होंने कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि किस वजह से प्रदेश में सीमेंट के रेट बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि HRA पार्टी प्रदेश में 14 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिलाने की ओर कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। अपराधों का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दोनों दलों ने लोगों का शोषण किया है और अब लोग तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं। आज कांगड़ा जिला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, उनके आगमन का स्वागत है। परंतु मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या वो ये बताने आए कि आप जिस मर्जी ढंग से प्रदेश की जनता को हतोत्साहित करते रहेंगे? आज आपने आने से पहले प्रदेश के अंदर 30 और 35 रुपये एक बोरी के रेट बढ़ाया है और साथ में ही महंगाई चरम सीमा पर है। सब्जी ले लीजिए, केरोसिन ऑयल ले लीजिए, गैस ले लीजिए, किसी भी आइटम में आप देखें तो महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। तो नड्डा जी आज रोड शो कर रहे हैं और वैसे भी हैरानी की बात है, रोड शो विपक्ष किया करता है। आज सत्ताधारी मजबूर हो गए अपने कर्मों से कि उन्हें रोड शो करके जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। मेरा नड्डा जी से निवेदन है, वो आज स्पष्ट करें कि ये जो रेट्स बढ़े हैं सीमेंट के, वो गुजरात और हिमाचल के चुनावों के दृष्टिगत बढ़ाए गए हैं या इसके कोई अन्य कारण है, उनको स्पष्ट करें। इसके साथ ही हिमाचल रीजनल अलायंस जो है वो मिशन 2022 के लिए हिमाचल के अधिकार और 14 लाख बेरोजगार इसका समाधान करे प्रदेश सरकार, इस नारे के साथ प्रदेश के अंदर जन जागरण प्रोग्राम चला रही है। क्योंकि वर्तमान सरकार जो है फिजूल खर्ची कर रही है, 63,000 करोड़ के लगभग इसमें कर्जे में अपने आप को डूबा हुआ शो करती है, परंतु एक भी कोई ऐसा एक्शन नज़र नहीं आता जिससे सरकार ये लगे कि ये सरकार कर्जे में डूबी हुई है। विधायकों को 4-4 लाख रुपया होटलों में रहने के लिए बढ़ा देती है, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरते हैं और हर तरह की महंगाई इन्होंने फैला रखी है। तो इससे तो कहीं नहीं लगता कि प्रदेश कर्जे में है, और वैसे भी प्रदेश कर्जे में नहीं है। प्रदेश ने BBMB से 15 लाख करोड़ रुपया लेना है, शानन प्रोजेक्ट का करोड़ों रुपया लेना है। चंडीगढ़ के अंदर हमारे जो अधिकार हैं वो सुरक्षित नहीं है, वो लेने हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लीडरशिप इन सारे मुद्दों को समाधान करने में नाकाम सिद्ध हुई है। इसी कारण प्रदेश में बेरोजगारी और नशाखोरी का आगमन हुआ है। मुझे आज इतने कहना है, इसके विरुद्ध दोनों पार्टियों के विरोध में हिमाचल रीजनल अलायंस पूरे प्रदेश के अंदर 1 मई से जन जागरण कार्यक्रम शुरू कर रही है। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।